हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। आज मैं आपके सामने हिमालय का वर्गीकरण पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था उस रिलेटेड क्वेश्चन और किस देश की सीमा किस किस राज्य से लगती है इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो कुछ मैंने तब बताए थे, कुछ आज बताऊंगी या फिर शॉर्ट्स में जो है वो धीरे धीरे पढ़ता रहेगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा ताकि याद हो जाए विथ ट्रिक। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय का वर्गीकरण। तो हिमालय यहाँ से शुरू हो जाता है, उसके बाद नदियाँ आएंगी हमारी, पूर्व की नदियाँ, पश्चिम की नदियाँ, इन सारी नदियों के बारे में जानेंगे। कौन हिमालय से निकलती हैं, कौन हिमालय से नहीं निकलती हैं, किन में वर्ष भर पानी रहता है, किन में वर्ष भर पानी नहीं रहता है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं हिमालय का वर्गीकरण। तो हिमालय क्या है? हिमालय पे ग्लेशियर पाए जाते हैं। हाँ मैम, ग्लेशियर तो पाए जाते हैं, लेकिन हिमालय है कैसा? हिमालय एक नवीन और बोल सकते हो कि नवीन वलित और मूलधार पर्वत है। कैसा है? नवीन अगर आता है हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन मूलधार और वलित पर्वत है, ठीक है। हिमालय का विस्तार कहाँ से हुआ? हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। किससे हुई है? हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। आया समझ? किससे हुई है? टेथिस सागर से, ठीक है। इस टेथिस सागर को हम लोग टेथिस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेथिस हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है मैम। हिमालय का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पर पाया जाता है? हिमालय का सर्वाधिक विस्तार नेपाल में पाया जाता है। कहाँ पर? हिमालय का सर्वाधिक विस्तार नेपाल में पाया जाता है। इसके अलावा भी कहीं है? बिल्कुल। हिमालय का विस्तार और कहां कहां पर है? हिमालय का विस्तार भाई कहां पर है? चीन में है, पाक में है, और कहां पर है? नेपाल में मैंने बताया, भूटान में है। भूटान में है क्या? बताओ, भूटान में है। हिमालय का जो विस्तार है क्या वो भूटान में है? हाँ मैम है तो, लेकिन उसके साथ साथ भारत में भी तो है। भारत को इस भारत का स्टेट तो है नहीं नेपाल। नेपाल तो एक अलग देश है, अलग कंट्री है, तो भारत में भी है। तो भारत इन पांच राज्यों में जो हिमालय का विस्तार है वो पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक विस्तार नेपाल में है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय को चार भागों में बांटा गया है। अब उन चार भागों को आपको लाइन से याद करना पड़ेगा। अब जब लाइन से याद करना पड़ेगा तो मैम हम तो भूल जाते हैं। भूलोगे नहीं, मैं याद कराऊंगी ना। क्या एक ट्रिक है? क्या है उसका? टेबल पर हिमालय। ट्रिक याद करो, टेबल पर हिमालय। क्या ट्रिक है? टेबल पर हिमालय। टे से बन गया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ब को वा लिखो, टेबल वृहत हिमालय, जिसको आप लोग महान हिमालय भी बोल सकते हो, महान हिमालय, ठीक है। ला से क्या बन गया? ला से तुम्हारा बन गया कौन सा? लघु हिमालय, लघु हिमालय। और हिमालय से क्या बन गया? हिमाद्री, या फिर बोल सकते हो हिमाद्री। कहाँ से होगा? अरे यार सब गलत हो गया।